गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग वन वर्ड. ठीक है, चैप्टर्स तो हमारे हो गए हैं, आज हम वन वर्ड करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन देखो. दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट एट वेरी कोल्ड प्लेसेस. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स INSECTS, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, बट जहां बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पे वो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये ठंडी जगह पे ज्यादा नहीं रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू. इट लीव्स इन कॉलोनीज, दे आर हार्ड वर्किंग. एंट्स मतलब चींटियां. ठीक है, एंट्स जो है कॉलोनीज में रहती हैं. कहने का मतलब वो एक साथ, देखते हो कभी कहीं किसी स्वीट्स पे अगर चींटी लग जाती है तो एक चींटी नहीं होती ना, उनके पीछे पीछे लाइन बना के बहुत सारी चींटियां जाती हैं, और वो उसी तरह का एक मिट्टी का लाइन वाला एक घर बनाते हैं. ठीक है, तो दे लिव इन कॉलोनीज, उसको हम कॉलोनीज बोलते हैं. तो दे लिव इन कॉलोनीज एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. आपने कभी नोटिस किया है एक छोटी सी चींटी कितने दूर से खाना लेके वो लोग कितनी दूर दूर तक चली जाती हैं? कभी चींटियों को गौर से देखना आप लोग, आपके किचन से खाना उठाती हैं, जो कि वो खाना हमारे लिए तो बहुत छोटा होता है पर उनके लिए बहुत हैवी और बड़ा होता है. ठीक है, और वो कितने दूर तक कैरी करके लेके जाती हैं. सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. थर्ड, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस प्लांट. वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस प्लांट कौन सा है? हेमलॉक, HEM, LOCK, लॉक. क्वेश्चन नंबर फोर. इट इज अ फंगाई दैट ग्रोज इन अ डैम्प एंड डार्क प्लेसेस. एक ये ऐसा फंगाई है जो डैम्प मतलब कि कीचड़ और थोड़े अंधेरी वाली जगहों पे ग्रो करता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम्स, MUSHROOMS. मशरूम्स. ठीक है, मशरूम्स क्या है, जो हम लोग खाते हैं ना, मशरूम्स खाते हैं, कुकड़ी की सब्जी खाते हैं, उसको भी हम मशरूम्स ही बोलते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव. दिस मॉन्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेस ऑफ विंड्स. ठीक है, इस मॉन्यूमेंट को हम, इस इमारत को हम प्लेस ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हवा महल. ठीक है, तो हवा महल आपका जयपुर में है, और हवा महल में बहुत सारी विंडोज हैं, अनगिनत खिड़कियां हैं, जिसकी वजह से उस जो पैलेस है उस महल में हर तरह से मतलब चारों तरफ से हवाएं, नेचुरल एयर जो है वो आपकी आते रहती है, इसलिए उसका नाम हवा महल पड़ा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स. दिस मॉन्यूमेंट इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर ग्रेट स्तूपा, सांची स्तूपा, SANCHI, STUPA, स्तूपा. ये जो मॉन्यूमेंट्स है बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये बुद्धिस्ट का बुद्धों का रहने की जगह थी. ठीक है, नाउ सेवन. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू गो इन द स्पेस, कल्पना चावला. वो पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, KALPANA, कल्पना चावला, CHAWLA, चावला. इट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ नवाब. ये उत्तर प्रदेश यूपी का कैपिटल है, और इस शहर को हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं, जिसको हम लखनऊ बोलते हैं, LUCKNOW, लखनऊ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट भारत रत्न अवार्ड. वो पहली ऐसी वुमेन थी, महिला थी, जिनको भारत रत्न अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था. शी वॉज इंदिरा गांधी, INDIRA GANDHI, गांधी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इट इज ऑल्सो नोन एज द जगत मंदिर एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात, द्वारका टेम्पल. द्वारका टेम्पल को हम जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में. ठीक है, DWARKA, द्वारका, TEMPLE, द्वारका टेम्पल. ठीक है, द्वारका टेम्पल क्यों फेमस है चिल्ड्रेन? ये श्री कृष्ण जी का रहने की, द्वारका में श्री कृष्ण जी रहते थे ना, तो ये द्वारका टेम्पल श्री कृष्ण जी के मंदिर के लिए बहुत ही मान्यता प्राप्त करती है, बहुत ही फेमस है. नाउ लेट्स सी सम जंबल वर्ड्स. फर्स्ट जंबल वर्ड है AGIPRU. अब आप ये जो जंबल वर्ड्स हैं उनको मैच करके देखो क्या बनेगा. तो अगर आप जी को पहले लगा दो, ए को फिर सेकंड नंबर पे, आई को थर्ड नंबर पे, पी को फोर्थ नंबर पे, यू को फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, एंड आर को सिक्स नंबर पे, तो ये कौन सा लेटर बन जाता है? ये एक सिटी का नाम बनता है, दैट इज योर जयपुर. क्वेश्चन नंबर टू देखो. KTKAHA,
ये जो है सारे उलट पुलट करके वर्ड्स हैं, इनको एक बार कलेक्ट करो, एक जगह पे अरेंज करो, देखो क्या बनता है। सो डबल के, तो फर्स्ट के हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, ए सेकंड नंबर पे रखो, टी थर्ड नंबर पे, एच फोर्थ पे, एंड ए अगेन फिफ्थ पे, और के को सबसे लास्ट में। तो ये एक डांस फॉर्म बन जाता है, दैट इज योर कथक। कथक एक तरह का डांस स्टाइल है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पेस। ये अगर आप एस को फर्स्ट नंबर पे रखते हो, पी को सेकंड, ए को थर्ड, सी को फोर्थ एंड ई को फिफ्थ, तो ये स्पेस मतलब अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर फोर इज के पी ई ए। के पी ई ए को अरेंज करो तो ये बन जाएगा पीक। पीक मतलब पहाड़ की जो चोटी होती है, जो सबसे टॉप पॉइंट होती है, उसको हम पीक बोलते हैं। फिफ्थ नंबर देखो, अगर आप इसको अरेंज करते हो देन इट विल बिकम अवार्ड। ये क्या बनता है? अवार्ड। अवार्ड मतलब वॉट? जस्ट थिंक। अवार्ड मतलब पुरस्कार, ठीक है? कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अवार्ड मिलता है ना, दैट इज प्राइज। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर आर को आप पहले रख लो, ई को सेकेंड नंबर पे एंड एल को थर्ड नंबर पे, आई को फोर्थ पे, जी को फिफ्थ पे, अगेन आई को सिक्स्थ पे, ओ को सेवन्थ पे एंड एन को, तो ये बन जाएगा लास्ट में, एन को रखो तो ये बन जाएगा रिलीजन। रिलीजन मीन्स धर्म, ठीक है? हम सारे लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, फिर भी हम एक साथ यूनिटी के साथ रहते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, अगर आप वर्ड्स को अरेंज करो तो इट विल बिकम सैलरी। क्वेश्चन नंबर एट, इफ यू सैलरी, मैंने जीके में पढ़ाया था, सैलरी एक तरह का क्या है, और धनिया के प्लांट को हम शायद सैलरी बोलते हैं, मतलब धनिया के प्लांट को हम सैलरी बोलते हैं, ठीक है? एट नंबर इज सनड्यू। ये एक प्लांट है जो कार्निवोरस प्लांट है, जो दूसरे कीड़ों को खा जाती है। नाउ नाइन्थ नंबर इज बेड बग। ये एक तरह का कीड़ा है, इट्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। टेंथ नंबर इज टर्टल। टर्टल का मतलब आप सारे लोग जानते हो, इट मीन्स कछुआ। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। आप प्लीज़ इसको अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैम एज अ होमवर्क आपके आप पे भेज देंगी, ठीक है? एंड देन लर्न इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।